हेलो फ्रेंड्स, आप पीसी पर वर्क करते हैं और इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्टली पोस्ट करना चाहते हैं जो भी आप प्रोजेक्ट या किसी यूट्यूब या वेबसाइट पर आप वर्क कर रहे हैं और उसे डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना चाहते हैं, बट आपको पीसी पर या कंप्यूटर पर आपको ऐसे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, ना ही तो आप उसमें कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स, आप अपने पीसी से अपने मोबाइल पर ट्रांसफ़र करते होंगे फाइल्स, उसके बाद उसे डायरेक्टली आप पोस्ट कर पाते होंगे थ्रू इंस्टाग्राम ऐप के थ्रू। अब आप डायरेक्टली पोस्ट कर पाएंगे इंस्टाग्राम पर, वो भी अपने वेब वर्जन पर। फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे होगा। उससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहें। आइए देखते हैं कैसे करें। फ्रेंड्स, मैं भी अपने पीसी पर हूँ और यहाँ पर आपको ओपन करना है अपना इंस्टाग्राम। मैं टाइप करता हूँ इंस्टाग्राम और यहाँ पर मेरी जो आईडी है वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ये मेरी आईडी है। फ्रेंड्स, मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा, वेब एप्लीकेशन से कन्वर्ट करना होगा मोबाइल ऐप पर, और ये मोबाइल ऐप की तरह वर्क कर पाएगा। उसके लिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे, थ्री डॉट्स पर आपको क्लिक करना है एंड यू विल फाइंड योर मोर टूल्स। मोर टूल्स के अंडर में आपको डेवलपर टूल्स पर जाना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा सोर्स कोड आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसमें से ये जो मोबाइल और वेब एप्लीकेशन वाला टूल दिख रहा है, टॉगल डिवाइस टूल बार लिखा हुआ है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एक्चुअली फ्रेंड्स, इसमें होगा क्या, जो आपकी वेब वर्जन है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक एप्लीकेशन बेस्ड इंटरफेस पे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको सिंपली रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको रिफ्रेश करना ज़रूरी है। रिफ्रेश करने के बाद आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपको इंटरफेस ओपन हो रहा है वो आपका मोबाइल एप्लीकेशन की तरह ओपन हो रहा है, तो आप इसे अब यूज़ कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की तरह। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं और आपका कर्सर भी चेंज हो गया है, तो आपको सिंपली कर देना है प्लस बटन पर अगर आप कुछ भी पोस्ट करना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं या आप होम पर जाना चाहते हैं। उसके बाद ये अपनी प्रोफाइल पर भी आ सकते हैं। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर कुछ अपलोड करके शो कर देता हूँ। मैंने एक पिक अपलोड की है और अपलोड करने के बाद आपको एडिट ऑप्शन भी सेम एज इट इज़ लाइक इन द मोबाइल एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप उसमें क्लिक करके अपना फिल्टर भी चेंज कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं इसे। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यू विल गेट इन द सेम इंटरफेस। यहाँ पर आपको उसी तरह से टैग कर सकते हैं किसी भी अपने फ्रेंड्स को और यहाँ पर कोई कैप्शन आप लिख सकते हैं इसमें, और उसके बाद आप लोकेशन भी टैग कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। और ये छोटा सा प्रोसेस था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।